अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व्यूवर्स को, अजीज़ किचन में वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल, तो वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, मेरे पास 1.5 पाव माश की दाल थी, जिसको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। अब इसे बॉयल कर लेते हैं। दाल को बॉयल करने के लिए पैन को चढ़ा लिया चूल्हे पे, फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 लीटर पानी। अब पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें जाएगी दाल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, दाल को हमने फुल बॉयल नहीं करना, बल्कि थोड़ी थोड़ी कच्ची रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दाल देखिए हमारी गल चुकी है, लेकिन 90% है। अब हम इसे पानी निकाल लेते हैं। कढ़ाई को चढ़ा दिया चूल्हे पे, फ्लेम को कर लिया है ऑन, तो अब जाएगा कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक बड़ी प्याज जाएगी चॉप की हुई। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें जाएगी 2 अदद बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद लौंग और 1/2 चम्मच जाएगी साबुत मिर्च। एक चम्मच जाएगा लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जाएगा अदरक का पेस्ट। पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे। हाफ चम्मच जाएगी सुरख मिर्च, 1/2 चम्मच जाएगी हल्दी, 1/2 चम्मच जाएगा भुना कुटा हुआ जीरा, 1/2 चम्मच जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया और 1 चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जाएगी काली मिर्च। तीन अदद जाएगी सब्ज़ी मिर्च कटी हुई और 1 अदद जाएगा बड़े साइज का टमाटर, जिसका मैंने छिलका उतार लिया हुआ है। हल्का सा पानी का लगाएंगे छींटा। और ऊपर से डांप देंगे ताकि स्मूथ सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, मसाले ने घी छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे दाल माश। दाल को डालकर थोड़ी सी बुनाई करेंगे। दाल की बुनाई हो चुकी है, अब इसे हम दम पे लगा देंगे। व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दम लगाए, दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ऊपर से तड़का लगा लेंगे। व्यूअर्स, अब हम लगाएंगे देसी घी का तड़का। तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन को चढ़ा लिया चूल्हे पे और 2 चम्मच जाएंगे देसी घी के। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगा साबुत जीरा,
और साथ ही जाएगी सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाह, 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं, तड़का हमारा रेडी है, अब जाएगा दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके ऊपर जाएगा सब्ज़ धनिया और अदरक। अल्हम्दुलिल्लाह, माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। बनाना बहुत इजी है, आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।